हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चूसी पीठा। तो चूसी पीठा की रेसिपी किस तरीके से बनाना है इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और आप भी सेम टू सेम इसी तरीके से एक बार बना के खा के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड करा है और उसमें चावल की आटा हमने ऐड कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा आटे के जैसा हमें गूंध लेना है। जितने अच्छे से आप गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके पीठा बनेगा। तो अभी हमने कढ़ाई में से सारे आटे हमने निकाल लिया है और अभी हाथ से थोड़ा सा हमें गूंदना है, क्योंकि जितना हम हाथ से गूंदेंगे उतना ही ये मुलायम होता रहेगा। तो अभी हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है और अभी हमें हाथ से लंबा लंबा इस तरीके की आकार में हमें इसको बना लेना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हमारा सारा पीठा बनके तैयार हो गया है और अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई पे दूध ऐड कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं दूध अच्छे से गर्म हो चुका है और अभी हम इसमें काजू और बादाम ऐड कर रहे हैं और ये हमने देखिए कितने बारीक बारीक इसमें कूट लिया है और कूटने के बाद फिर हमें इसमें इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा भी लग रहा है। अभी थोड़ी देर हमें इसको पका लेना है और इसमें अभी हमें चीनी ऐड कर लेना है। तो चीनी उतना ही ऐड करना है जितना आप मीठा खाते हैं उतना ही चीनी ऐड करें। हम थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें कद्दूकस करा हुआ नारियल ऐड कर रहे हैं और अभी कुछ टाइम तक हमें इसको पका लेना है अच्छे से। तो अभी हमने दूध को अच्छे से पका लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पीठा जो हमने बनाए थे। तो इस तरीके से हमें इसमें पीठा ऐड कर लेना है और फिर कुछ टाइम तक हमें इसको और पका लेना है, उसके बाद हमारा रेसिपी तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है, तो आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, अभी हमारा पीठा बनके तैयार हो गया है। तो रेसिपी कैसा लगा है कमेंट करके बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लाते रहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ फाइनल लुक हमारा इस तरीके से अभी बना हुआ है पीठा और कितना ये अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, अपने रिश्तेदारों को खिलाना, तारीफ़ ज़रूर करके जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो पर।